नीतीश जी जो है और लालू जी मतलब एनडीए और यूपीए इससे अलग हट करके आप एक राजनीतिक विकल्प दे जिसका समाज स्वागत करेगा। वो कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए आप, धारा 370 हटवा दिए, आपको जनता वोट इसीलिए दिया था, आपको क्यों वोट दिया था? आप मैनिफेस्टो में लाए थे कि हम हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर बनवाएंगे, तो हमने आपको मैंडेट दिया, वोट दिया, आपको कर रहे हैं। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत है, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। जिस तरह से बिहार में राजनीति दिन पर दिन अपना करवट ले रही है, दिन पर दिन एक नए समीकरण बन रहे हैं, कभी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की बात करती है, कभी जदयू अलग चुनाव लड़ने की बात करती है, तो कभी अपने ही संगठन में फूट होने की बात होती है। तो इसी बीच इन मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्कर नारायण सिंह जी। तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी राय, आखिर क्या है उनकी राय बिहार की पॉलिटिक्स पर। तो सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा आपसे कि जिस तरह से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते थे और नीतीश कुमार ने इतना तक कह दिया था कि प्रशांत किशोर मेरे उत्तराधिकारी होंगे, रातों रात उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, आखिर क्या कहिएगा इस मुद्दे पर? हमको जहाँ तक लगता है कि नीतीश जी का जो दूरदर्शिता है जी और राजनीतिक सोच समाप्त हो गया है जी। एक पार्टी से निकालना अलग बात है, मान लीजिए हम कुछ हमारा व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है जिसके कारण हम पार्टी का जो निर्णय उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो निकालना और एक बेइज्जत करके निकालना जी, जिस प्रकार से यही पाटलिपुत्र की धरती गवाह बना था, प्रशांत किशोर को नंबर 2 कुर्सी मिला था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मिला था जी, और अपने दरबार से बेइज्जत करके तुम तमाम करके जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने निकाला है, तो एक ही घटना का हमको याद पड़ता है, इतिहास में जाते हैं कि यही पाटलिपुत्र की धरती था और धनानंद ने जी अपने दरबार से चाणक्य को निकाल दिया था, बोला था कि धनानंद को धैर्य नहीं, अब सुने विप्र प्रलाप, चोटी खींच कर बाहर कर दो इस काले ब्राह्मण को जी। उसी दिन से चाणक्य ने अपने शिखा को खोल दिया और बोला था कि जब तक धनानंद के वंश का मैं नाश नहीं कर लूंगा तब तक यह शिखा नहीं बनेगी। तो मैं भारत लाइव मीडिया के माध्यम से प्रशांत किशोर जी से निवेदन करता हूं कि आप राजनीतिज्ञ के साथ ब्राह्मण हैं जी, और जिस प्रकार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया गया था उसी प्रकार से आपको भी अपमानित करके निकाल दिया गया है जी। जिस प्रकार से दिल्ली के रंग में आपने विरोधियों को हराया, आप बिहार में आए और विकल्प दें, ब्राह्मण तो हमेशा से विकल्प देते रहा है जी। हम भूमिहार हैं लेकिन अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण का ही एक पार्ट होता है, कई एक पार्टों में ब्राह्मण बटे हुए हैं, महिवाल हो गए, कानकुब्ज हो गए, भूमिहार हो गए, उसके बाद आप देसाई हो गए, ये सब हम लोग ब्राह्मण के ही पार्ट हैं। मुस्लिम में भी जो ब्राह्मण से धर्मांतरित होकर गए शेख सैयद पठान, ये सब ब्राह्मण के पार्ट है। तो आज वह समय आ गया है कि ब्राह्मण को एकजुट करें, और वो तो माने प्रशांत किशोर जी जी एक अपने आप में आइकॉन है, उनको किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है, जहां रहते हैं जीत की गारंटी रहती है जी। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप बिहार में आवे जी, और जिस तरीके से चाणक्य जी ने हमारे पूर्वज जी धनानंद के वंश के नाश करके और दूसरे राजा को वहां पर बैठाए थे गद्दी पर, तो आप उस तरीके का नीति अपनाइए कि यहां नीतीश जी जो है जी और लालू जी मतलब एनडीए और यूपीए इससे अलग हट करके आप एक राजनीतिक विकल्प दे जिसका समाज स्वागत करेगा। हर युग में हम लोगों ने विकल्प दिया है जी। इस युग में भी उनसे बिहारियों का एक खास करके नौजवानों का विकल्प दे और सारा संगठन
उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष जी भी। जैसे अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं तो इस तरह से है कि अगर प्रशांत किशोर जिस तरह से उन्होंने खुली चेतावनी दी है नीतीश कुमार को कि आप इस बार और अपनी सीएम की गद्दी संभाल लीजिए, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर आएंगे बिहार में और एक तीसरा विकल्प लेकर आएंगे तो क्या आप लोग उनका साथ दीजिएगा? एकदम बिल्कुल साथ देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी ने समर्थन भी किया है जी। अगर वो विकल्प लेकर आते हैं और एकदम निवेदन करते हैं कि वो विकल्प बनाए, तीसरा विकल्प बिहार को दे, ऐसा विकल्प जातिवाद से जो ऊपर हो, जहां पर विकास हो, नौजवानों को रोजगार मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा की गारंटी मिले, एक ऐसा विकल्प दे, एकदम पूरा समाज उनके साथ हम लोग रहेंगे, तन मन धन जैसे उनके साथ एकदम रहेंगे। सर, आपकी पार्टी पर एक आरोप लगता आया है कि जातिवादी ज्यादा होती है यहाँ पर, तो क्या लगता है कि उससे किस तरह से आप निजात पाइएगा? सर, हम लोग तो जातिवादी तो नहीं है जी, लेकिन बात है कि अगर हम भूमिहार ब्राह्मण हैं जी और पहले अपने समाज को एक न करके और दूसरे समाज में जाएंगे तो वो तो बोलेंगे ना कि पहले आप एक हैं जी। उसका सीधा एक बहुत से साधारण उदाहरण देते हैं हम। मान लीजिए घर में हम चार भाई हैं, एक पिताजी हैं जी। और चारों भाई का चूल्हा अलग अलग जलता है और हम ही चूल्हा हमारा अलग जल रहा है और हम गांव में घूम के प्रचार करेंगे कि भाई एक हो जाइए, एक हो जाइए, एक हो जाइए, तो गांव तो कहेगा ना कि पहले तुम तो चार चूल्हा को एक चूल्हा कर लो जी, पहले तो तुम एक हो जाओ तो हम एक हो जाएंगे, गांव तो बोलेगा। उसी प्रकार से हम, हमारे किसी से द्वेष नहीं है जी, लेकिन पहले हमारा जाति एक हो जाए, हम दूसरे को एक करेंगे। हमारा क्या, हमारा संगठन का तो मूल मांग है कि आरक्षण का आधार जाति से हटा करके आप आर्थिक रूप पर कर दीजिए, गरीबी कर दीजिए, उसमें कोई भी जात गरीब हो जी, उसको आरक्षण का लाभ दीजिए, इसमें जाति की कहां बात होता है। और अभी भी गरीबी की श्रेणी में भारत में उसी को रखा गया है जिसको एक धूर जमीन नहीं है जी। हकीकत में तो गरीब वही ना है जी। तो आज भी हमको लगता है कि भूमिहार ब्राह्मण हो या राजपूत भाई हो, दो चार कट्ठा कितना भी गरीब है तो दो चार पांच कट्ठा तो जमीन जरूरे है। तो आज भी अगर आर्थिक आधार पर लाभ मिलेगा जी, तो सबसे पहले उन गरीबों को मिलेगा, उनके रसूखदारे को नहीं मिलेगा कि पासवान जाति में रामविलास पासवान को मिलते रहे, उनके खानदान को मिलते रहे जी। रामविलास पासवान जी लिए आरक्षण का लाभ, उनके चिराग पासवान जी लिए जो आपको सांसद है, रामविलास पासवान जी मंत्री है, लेकिन उनको तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है क्योंकि वो पासवान जाति से है। लेकिन एक गरीब भूमिहार, गरीब ब्राह्मण जो बेचारा दिन भर कमाता है और रात को उसको दो दिन की रोटी भी नसीब हो कि ना हो, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो जाति विशेष से है। तो ये व्यवस्था पर हम लोग चोट करते हैं, तो इसमें जातिवाद की बात कहां आती है जी? हमको तो नहीं लगता कि इसमें जातिवाद की कोई बात है। एक और आपके ऊपर आरोप लगता आया है कि एक बीजेपी की बी पार्टी आपको कहा जाता है कि आपका जो वोट है वो फिक्स है बीजेपी के लिए, और लगातार आप देख रहे हैं कि हर एक चुनाव में एक के बाद एक जो स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। तो दिल पर आप हाथ रख के कहिएगा, आपको अच्छा लग रहा है उस चीज से या आपको दर्द होता है? नहीं, दर्द क्या होगा, जो जैसा करेगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान जी। आप हर चीज राष्ट्रवाद पर ही तोड़ने लगते हैं। जो हाल फिलहाल में, मैं पहले नहीं जाना चाहता, हाल फिलहाल में दिल्ली का चुनाव हुआ, आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि 6 साल से सत्ता में हैं जी। आप काम तो बताइए, मैंने क्या काम किया जी? कुछ भी चुनाव का बात आता है आप भारत पाकिस्तान करने लगते हैं, राष्ट्रवाद की बात करने लगते हैं, लेकिन सर हिंदुत्व की बात करने लगते हैं। अरे हिंदुत्व तो हम हैं तो हिंदुत्व है जी। आज भी हिंदुत्व अगर बचा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज से हिंदुत्व बचा हुआ है, हमारे धमनियों में जो रक्त बहता है उसका एक एक बूंद हिंदुत्व के लिए जी समर्पित है। जब मुगल के शासन काल में था, जब भारत गुलाम था, उस समय मुगल का शासन काल रहता था, औरंगजेब रहता था, उस समय क्या था कि अगर घर में, आज तो कम से कम आप
भारत आजाद है, जो धर्म अपना सकते हैं सब धर्म का हमारा देश है, लेकिन तब हिंदुत्व के लिए बात है जी। जब भारत गुलाम था, मुगल शासक कुल होते थे, वो टीका टीक घर में भगवान का फोटो देखते थे, अगर आप रामायण राम का नाम लेते थे जवान काट देते थे, कान में वो लौह पिघला करके डाल देते थे, मूर्ति कबार कर फेंक देते थे जी। उस समय भी हिंदुत्व को बचा कर रखने वाला कोई था तो हमारा समाज था। तो हिंदुत्व तो हम ये हैं, ये हमको कहने का किसी से नागपुर से हमको सर्टिफिकेट आरएसएस दे देगा तब हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं कर्म से, धर्म से, वचन से जी। हम हिंदू हैं। तो इस पर उनको नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए आप, धारा 370 हटवा दिए, आपको जनता वोट इसीलिए दिया था जी। आपको क्यों वोट दिया था? आप मैनिफेस्टो में लाए थे कि हम, हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर बनवाएंगे। तो हमने आपको मैंडेट दिया, वोट दिया, आपको कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो समाज सामान्य वर्ग दबा कुचला था जी, है भी अभी सामान्य वर्ग तो दबा कुचला है जी। इस पर कोई फैसला आता है तो उसको आप पलट देते हैं। तो दिल्ली तो भाई वहां जातिवाद नहीं चलता है जी। वहां पढ़ा लिखा है जी। अगर आप कहते हैं कि हमारा देश का विकास हो रहा है तो जीडीपी देखेगा लोग। अगर आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो आजादी के बाद से आज तक सबसे डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा कमजोर है जी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो कहां किए हैं, क्या किए हैं डेवलपमेंट के लिए, क्या किए हैं जी? कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, इसी पर मैंडेट दिए थे। तो ये सब कुचक्र है, कुछ नहीं। भाजपा हारे, कांग्रेस हारे, दोनों से। हम लोग तो यूपीए को भी देख लिए, एनडीए को भी देख लिए, कमोबेश पार्टी वही है, लेबल सिर्फ चेंज हो जाता है। और भारत का तो एक मतलब क्या कहा जाए, वही पार्टी विपक्ष में रहता है तो उसका कुछ अलग सुर रहता है, वही पार्टी पक्ष में हो जाता है तो उसका कुछ अलग सुर रहता है जी। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी सवालों के इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए। अगर आपको शो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन जरूर दबाइएगा, साथ में अब तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो बगल में सब्सक्राइब बटन है और उस पर क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो जितनी भी खबरें हमारे भारत लाइव पर अपलोड होंगी सारी खबरें आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच जाएगी। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।